हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम विद प्रिया में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना लिविंग रूम मेकओवर। और इसके लिए मैंने कुछ DIY किए हैं, वो भी मैं आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए फिर देरी किस बात की, बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए फिर देरी किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लिविंग रूम मेकओवर के लिए मैंने छोटे मोटे चेंजेस किए हैं अपने लिविंग रूम में, और इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं, ऑनलाइन की ली थी वो परचेस करके मैंने ऐड की हैं। कुछ चीज़ें मैंने बाहर से की ली थी तो उन्हें भी ऐड किया है मैंने इसके लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। कुछ चीज़ों का बस मैंने प्लेस चेंज किया है, और कुछ जो मैंने ऐड किए वो भी दिखेंगे आपको। मैंने यहाँ से कॉर्नर से कुछ चीज़ें हटा के, और मैंने यहाँ पर प्लांट ऐड किया है। सोफ़े कवर ऐड चेंज किए हैं मैंने अपने लिविंग रूम के, जो कि करना ही चाहिए एक्चुअली। दिवाली के लिए अगर हम लिविंग रूम मेकओवर कर रहे हैं तो हमें लगता है इस तरह के जो कवर होते हैं उनको हमें चेंज जरूर करना चाहिए, और एक फेस्टिव एप्रोप्रिएट जो कवर होते हैं उन्हें जरूर ऐड करना चाहिए। इसके लिए मैंने सोफ़ा थ्रो यूज़ किया है, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया था अमेज़ॉन से, और साथ में मैंने कुछ फेस्टिव स्टाइल के जो मेरे पास कुशन्स कवर पहले से रखे थे मैंने उन्हें ऐड किया है। तो सबसे पहले लिविंग रूम मेकओवर के लिए मैंने एक DIY किया है, जो कि मैंने अपने सेंटर टेबल के लिए किया है, जो कि लिविंग रूम एरिया में है मेरे। और इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एक ब्लाउज पीस मेरे पास पड़ा था, और काफ़ी अच्छा इस सिल्क मटेरियल का था। तो ऐसे सिल्क मटेरियल जो ब्लाउज होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, और मैंने इसका एक सेंटर टेबल रनर बनाया है, जो कि आप लोग भी बहुत ईजिली तरीके से बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में बिना सिलाई विलाई किए ये आराम से बन जाता है। तो वही DIY मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और नेक्स्ट एक और DIY किया है, तो सबसे पहले मैं ये वाला DIY आपको बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ये ब्लाउज पीस लिया है, और इस तरीके से मैंने ब्लाउज के जो आजू बाजू के जो धागे निकले रहते हैं उसको पहले कट कर लिया है। इसके बाद मैंने इस ब्लाउज पीस को इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है, जो कि बहुत इजीली फोल्ड करके, और मैं इसे एक स्टेपलर की हेल्प से देखिए कितना अच्छा एक रनर तैयार कर दूंगी, जो कि बहुत ही एक हैक भी कहला सकता है। आप लास्ट मिनट के ये इस तरह के हैक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास इस टाइप का कोई फेस्टिव है रनर नहीं है। तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है इसे दोनों तरफ से अंदर की तरफ। उसके बाद मैंने कॉर्नर की तरफ से इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लिया है, और इसे मैं बिना किसी स्टिच किए इसे मैं इस तरीके से बंद करके फोल्ड करते हुए, और इसकी मैं स्टेपलर की हेल्प से इस तरह से इसको स्टेपलर कर दूंगी, और ये इस तरीके से स्टेपलर हो गया। और बहुत ही आराम से आप इस तरीके के रनर तैयार कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लुक देते हैं इस तरीके रनर। आप अगर अपने घर में दिवाली जैसे मौक़ों पे इस तरीके से अगर इस तरह के रनर यूज़ करते हैं, किसी भी ब्लाउज पीस को यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छा आपका एक फेस्टिव एप्रोप्रिएट रनर तैयार हो जाता है। तो इसे भी मैंने दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सेम उसी तरीके से फोल्ड करके, और स्टेपलर की हेल्प से मैंने स्टेपलर कर दिया है। तो इस तरीके से मेरा एक बहुत ही प्यारा रनर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं सेंटर टेबल का, जिसपे मैं अपना ये कैंडल होल्डर रख रही हूँ। ये ब्रास का है पूरा, जो कि इसके ऊपर काफी अच्छा लुक दे रहा है। तो इस तरीके से आप भी एक रनर तैयार कर सकते हैं आराम से अपने घर में। इसके बाद जो मैंने अपना नेक्स्ट DIY किया है वो मैंने कैंडल तैयार किया है। आपने देखा भी होगा ऑनलाइन इस तरह के कैंडल काफ़ी लोग बनाते हैं घर में,
बहुत इजी है इस तरह के कैंडल बनाना घर में। मैंने ये इस तरह के जो प्लास्टिक के कवर होते हैं मेरे को मेरे घर में रखे हुए थे, तो मैंने उसको यूज़ किया है। आपके पास भी इजीली मिल जाएंगे काफ़ी आराम से, ये किसी भी कवर में और बहुत इजीली बहुत जगह मिल जाते हैं ये। और इसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने कट कर लिए हैं जितने भी कैंडल्स मुझे तैयार करने हैं, उसके हिसाब से मैंने ये स्क्वायर शेप के पेपर कट कर लिए हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। और इसके अंदर मैं छेद करूंगी छोटे छोटे बीच में सेंटर में, क्योंकि मुझे कॉटन की जो बत्ती होती है वो मुझे इसके अंदर फिक्स करनी है। तो उसके हिसाब से मैंने ये जितने भी मैंने स्क्वायर शेप के जो कट किए हैं पीसेस उसको मैं उसमें छेद बीच में कर रही हूँ। तो अभी कैमरे का एक्चुअली फोकस थोड़ा बीच में मेरा हिल गया था, तो फोटोज़ उतनी क्लियर नहीं आ पाई, ब्लर आई है, लेकिन लास्ट में आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे लिया है। कांच का ग्लास ले सकते हैं, इस तरीके का कोई भी है, बॉल आता है वो आराम से ले सकते हैं। और एक्चुअली इस तरह के कैंडल जब बनाते हैं तो इस तरह के कांच के ग्लास ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने छोटा वाला लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसके ऊपर मैंने रिफाइंड ऑयल अपना ऊपर से फिल किया है, और जितना मैंने पानी रखा था उससे थोड़ा ही कम मैंने रिफाइंड भी रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने जो ये स्क्वायर शेप के जो मैंने प्लास्टिक के जो काटे थे पीसेस उसके अंदर मैंने इस तरह से कॉटन लगा के और इसके अंदर डाल दिया इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये कैंडल तैयार हो गया है। मैंने इसमें आधा पानी रखा है और थोड़ा ही सा उतना ही कम थोड़ा सा कम मैंने रिफाइंड रखा है इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल। और मैंने इसके अंदर ये कैंडल के जो मैंने बनाए थे जो पीसेस के जो कॉटन के वो मैंने डाल दिया है, और इस तरह से मैंने ये जलाया है। तो आप देख सकते हैं जलाने के बाद बहुत ही सुंदर लुक आता है, इसको आप कहीं भी अगर डेकोरेट करते हैं। आप चाहे तो इस पानी के अंदर कोई कलर भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने कलर नहीं मिलाया बट बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कलर भी मिक्स करते हैं इसके अंदर। तो रात के समय ये कुछ ऐसा लगता है देखने में, और इसे मैं कहाँ डेकोरेट करूंगी वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी कि ये किस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। तो इस तरीके से मैंने अपने दिवाली के लिए घर के लिविंग एरिया का मेकओवर कर लिया है, जो कि काफ़ी कम टाइम पे मेरा बहुत आराम से ये मेकओवर हो गया। कुछ चीज़ें मैंने अपने घर में रखी हुई चीज़ें यूज़ की थी, कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, तो उन सभी चीज़ों को मिला जुला के मैंने अपने लिविंग एरिया रूम का मेकओवर किया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था करने के बाद। और दिवाली जैसे मौके पर इस तरह का मेकओवर काफ़ी अच्छे लगते हैं और हम बहुत पसंद भी करते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस हमें करने चाहिए अपने घर में जब भी ऐसे ओकेशंस आते हैं या कुछ पार्टीज या गेट टुगेदर होता है, तो इस तरह का मेकओवर बहुत अच्छा लगता है आपकी किसी भी जगह को, चाहे वो लिविंग एरिया हो, चाहे आपका बेडरूम हो, चाहे कोई भी जगह हो, इस तरह के मेकओवर काफ़ी अच्छे लगते हैं।
और छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ऐड करते हैं अपने घर में और चेंज करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा मेकओवर भी हो जाता है आपके घर का। तो इस तरीके से मैंने अपने लिविंग एरिया रूम का मेकओवर कर लिया है, और अगर आपको ये मेकओवर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से आप भी कुछ कुछ चीज़ों को अपने घर में लिविंग एरिया में ऐड करके अपने घर का मेकओवर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और जिस तरह से मैंने किया, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई कि किस किस तरीके से मैंने छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके, पुरानी रखी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करके मैंने अपने लिविंग एरिया का मेकओवर किया है। और वैसे भी मेकओवर करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करके और हम घर को अपना अच्छा कर दें। और सबसे आसान तरीका होता है अपने लिविंग एरिया या किसी भी जगह का मेकओवर करने के लिए कि आप अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ें जहाँ पे रखी हुई हैं उनको थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके अलग डायरेक्शन में अगर भी लगा देते हैं अपने घर में तो वो उस जगह का लुक चेंज हो जाता है। तो ये था मेरा वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आई, और ये मेरे लिविंग एरिया का मेकओवर है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।